राजीव गांधी साउथ कैंपस वेटरनरी इंस्टीट्यूट का गायनेकोलॉजी का लैब है। यहाँ सर आपको कुछ डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि क्या नए रिसर्च हो रहे हैं, किस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और नई प्रजाति कैटल की बनाएं ताकि अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन हो। मिल्क का प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? आप जानते हैं कि हमारा न्यूट्रिएंट्स फूड दो सोर्स से आता है, क्रॉप से और दूसरा कैटल से। क्रॉप से अनाज मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, लेकिन कैटल से हमको मिल्क मिलता है। तो हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के साथ विटामिन मिनरल चाहिए। तो दोनों सोर्स से मिलते हैं, प्रोटीन और विटामिन्स मिनरल्स दोनों सोर्स से मिलते हैं। और हम समझते हैं कि प्रोटीन की बात करें तो एनिमल सोर्स से ज़्यादा मिलता है कि नहीं? तो यहाँ पे जो ये संस्थान है, पीछे वाला संस्थान एग्रीकल्चर का था, यहाँ वेटरनरी साइंस का है। तो दोनों सोसाइटी से रिलेटेड हैं। सोसाइटी को, समाज को क्या चाहिए? कितना भी पैसा कमाओ लेकिन भोजन तो चाहिए ना। भोजन में अनाज चाहिए, इसके बाद फल फूल सब्जियाँ चाहिए, दूध चाहिए, अंडे चाहिए, जो खाते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन हमारा कैसे बढ़े कि सबकी डिमांड पूरी हो, न्यूट्रिशन वैल्यू को फुलफिल किया जा सके। तो यही जो संस्थान है, ये संस्थान रिसर्च करके, ये संस्थान जो है अच्छा से अच्छा ब्रीड बना करके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ताकि सबको कम से कम 250 ml मिल्क मिल सके, हर बच्चा पा सके, किसी को कुपोषण न हो, प्रोटीन की डिफिशेंसी न हो, मिनरल की डिफिशेंसी न हो, विटामिन की डिफिशेंसी न हो। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्थान है, आप समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट है। आप इसको ऐसे न लें कि यहाँ केवल वेटरनरी साइंस का ये है, ये पूरे समाज के लिए एक नया जो है रिजोल्यूशन है। क्योंकि रिवोल्यूशनरी वर्क यहाँ हो रहे हैं, हाई यील्डिंग ब्रीड्स बना करके और प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं ताकि सोसाइटी के हर तबके तक वो मिल्क पहुँचे, न्यूट्रिएंट्स पहुँचे, विटामिन पहुँचे। अब सर आ गए हैं, सर का हम वेलकम करते हैं कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। और सर अब आगे आप लोगों को बताएंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे आगे बढ़ना है और देश को कैसे डेवलप करना है, उसमें आपकी भूमिका क्या होगी, सर के माध्यम से सुने। थैंक यू सर, आइए।